Hey guys, welcome back to my new vlog. और गाइस व्लॉग तो मैं दोपहर में शुरू कर रही हूँ, सुबह वाला तो कुछ रह ही नहीं गया क्योंकि सुबह उठो फिर फटाफट जो है तैयार होने लग जाती हूँ क्योंकि फिर ये उठ जाती है, तो उस टाइम मम्मी पापा बस लेटा लाती हूँ इसको, तो ये सोती रहती है, तब तक मैं अपना नहा लेती हूँ और कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाता है। हिलने लग गई, जरा सी भी आवाज़ आती है ना हिलने लग जाती है। और रूटीन तो ऐसा हो गया ना, कल तो रात उसने सोने ही नहीं दिया बिल्कुल, पता नहीं दिन में ज़्यादा सो ली इस वजह से या कोई दिक्कत थी, पेट वेट में दर्द हो रहा था, 6 बजे मैं सोई हूँ। और सही में बिल्कुल माइंड जो है वो बड़ा वो हो जाता है क्योंकि आदत नहीं है ऐसे इतना लेट जगो फिर पूरा दिन भी इसमें ही लगे रहो, तो बिल्कुल रूटीन एकदम गड़बड़ हो गया है। तो फिलहाल नाश्ता वाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ, ये चले गए कार्ड बांटने क्योंकि अभी भी बची है काफ़ी, और मैं अपना खाना खा रही हूँ और खा लेती हूँ, तब तक ये सो रहे हैं आराम से। ये शाम के हो रहे हैं 5:15 और ये अभी सो रहे हैं। ये पता है इसने नया रूटीन चालू कर दिया है, दिन में सोने लगी है और रात में दुखी करने लगी है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये मतलब लगभग 2.5 घंटे हो गए सो रही है आराम से, और शायद ठंड भी ज़्यादा है तो इसी वजह से मैं सोच भी रही हूँ सो रही है, चलो अच्छी बात है वरना परेशान होती है उठ के, एक तो इतनी ठंडी भी है घुमा भी नहीं सकते ना वरना इसे टहलाते रहो तो ये होता है, तो मैं तो यही कर रही हूँ बस। मम्मी चाय लेकर आई थी, चाय पी हम दोनों लोगों ने बैठ कर, और ये तो है नहीं तो अकेले बस इसी के साथ टाइम पास कर रही हूँ अपना। सो रही हूँ मैं, मुझे इसकी पार्टी के लिए कपड़े लेने भी जाने हैं पर मैं जा ही नहीं पा रही क्योंकि ये है ही नहीं और अकेले तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन ये फ्री होते हैं तो फटाफट इसके कपड़े ले आती हूँ और बाकी भी छोटे मोटे काम है वो भी कर लेती हूँ। तो अगर आज ये टाइम से आ गए, आज वैसे वेंसडे है लेकिन शायद खुला रहता है बुधवार को, मतलब जहाँ जहाँ से हम लोग लेते हैं वो खुला रहता है, तो अगर आ जाते हैं तो इनसे कहूँगी आज ही ले चलो तो एक टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो इसको उठा कर और एक बार दूध दूध पिला देती हूँ ताकि जो है ये सोती रहे। और ये आ गए हैं पापा, आज मैं आपको परमिशन देती हूँ बिटिया को उठाओ इसलिए ताकि इसको वो पिला दें। हाँ दिखाओ, दीना बुआ ने दिया इसके लिए। अरे वाह पिंकी पिंकी, अरे वाह ये क्या बुआ लेके सिलवा है ऊन अपनी दी। अरे वाह ये इसके मोजे, अरे वाह मजा आ गया बिटिया, ये कलर है वाओ, दो दो तुम्हारे ही मजे हैं जिंदगी में, सही बता। अच्छा फेस नहीं दिखाओगे ठीक, कोई बात नहीं है। अच्छा वो ठीक, चलो इनको उठाओ फिर चले अपने। फाइनली आज मौका मिल गया निकलने का और बिटिया को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, ये ऐसी वो करते ही अब क्या करा जाए, क्या बात भाई। तो फिलहाल मौका मिल गया है निकलने का और गुड़िया को सुला दिया है पापा पास है, आराम से सोती रहे, अच्छी बात है 2 घंटे तो काम निपट जाएगा सारा, वरना फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा जाने का। चलो चले बाहर, बहुत ठंड है। अच्छा क्यों इन्होंने हीटर चला दिया, मुझे हीटर में उल्टी आती है। चलो यहीं तक जाना है, झेल लेंगे थोड़ा। एक तो आज बुधवार है, पता नहीं खुला भी होगा नहीं खुला होगा, मुझे तो लग रहा पहला ही काम के लिए खुली नहीं है, नहीं खुली है खुली खुली है, तो भैया की तो अरे वापस कर दो, बंद कर दे, हाँ बंद ही कर रहे हैं, तो काम हो गया। मुझे ड्रेस वापस करनी थी वो मैंने कर दी, जो लेनी थी वो ले लिए, और मुझे लग रहा है जो मेन जिस काम के लिए आई हूँ मैं कि बिटिया के कपड़े मिल जाए पार्टी के अंदर है, अंदर वाले हाँ यहाँ नहीं मिलते बच्चों के, अंदर मिलते हैं, तो वो अगर बंद हुई तो दिक्कत होगी 100%, और ना बंद हो तो ज़्यादा अच्छा है। बंद हो गई, अब क्या करोगे फाइनली बताइए, सोचिए वो मतलब शॉप बढ़ा रहे थे भैया, उन्होंने हमारे लिए खोल दी, हम लोग तुरंत पहुंच गए, उन्होंने बोला 2 मिनट के लिए बस खोल दीजिए, और काम भी हो गया है, बिटिया के कपड़े भी मिल गए, और नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अंधेरा है तो देख कर चल रही हूँ गिर जाऊँगा, तो अब मिल गए इसके कपड़े भी तो मेरी टेंशन हो गई है, मतलब टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं अब तो। हम लोगों ने बस 10 मिनट में ले लिया क्योंकि बच्चों के लिए मेनली कंफर्टेबल होने चाहिए, और विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर फैशन दिखाएंगे उसको, बढ़िया से स्टाइल करेंगे। तो गाइस बिटिया का सारा सामान ले लिया, थोड़ा बहुत वो भी लेना था छोटा मोटा सामान, वो भी उसका आ गया है तो उसकी अब मुझे टेंशन नहीं है,
मैं हो गई हूँ टेंशन फ्री एकदम। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि क्या करूंगी क्या करूंगी, कब तक पता नहीं आ पाएगा। और एक तो ये रहता है ना कि मन का मिलेगा या नहीं, पर मन का एकदम मिल गया हम लोग के, है ना। और बड़े हम लोग खुश हैं, मैंने उसे इमेजिन भी कर लिया कि कैसी लगेगी। कंफर्टेबल भी है, अच्छा भी है देखने में भी, और सब सही है। और अच्छा, कितने दिन मतलब क्या बोलते हैं, साथ नहीं रहती है तब भी याद आती है। अभी मैं कपड़े ले रही थी तो मुझे बड़ी याद आ रही थी उसकी। चलो फटाफट काम करते हैं, चलते हैं। तो गाइस चूड़ी वाली गली में भी था, मुझे थोड़ा सामान लेना था, पर वो तो बंद हो चुकी है, ये कह ही रहे थे। और इन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब इनकी बात सही प्रूफ हो जाती है। बड़े स्टाइल में देखते हैं, देखा बंद निकली। चलो फिलहाल यहाँ सिटी गार्ड में थोड़ा सा गुड़िया का सामान लेना है, वो ले लेती हूँ और फिर चलते हैं। सिटी कार्ड भी एंट्री बंद हो गई, टाइम हो गया था ज्यादा, तो उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया, तो वहां भी नहीं काम हो पाया। तो कोई बात नहीं, फिलहाल छोटा मोटा काम है वो हो जाएगा, उसकी मेन जो काम था वो टेंशन में फ्री हो गई। और ये जो है अपने लिए कुछ खाने के लिए देखने के लिए गए हैं, कुछ नया खुला है यहाँ पर तो ये देखने के लिए गए हैं, कुछ नॉनवेज में देखने के लिए गए हैं कि इनको मिल जाए खाने के लिए, तो वही ढूंढ रहे हैं। देखो कुछ होगा तो ले आएंगे अपने लिए, लग रहा है कुछ मिला नहीं। क्या हुआ? वही शैतान के आसमान छू रहे हैं। बहुत वो है। वही तो। तो गाइस हम लोग आ गए घर पे और खाना भी खा रहे हैं फटाफट। तो हमने सोचा खा लेते हैं, और बेटिया जो है वो पापा के पास आराम से सो रही है। पापा पास एक दो घंटे सोती रहती है, आराम से पापा उसे गोदी में लिए, पापा गोदी से उतारते ही नहीं है, एकदम गोद में आराम से लेटा ले रहते हैं, तो एकदम गर्माहट में सोती रहती खूब देर तक। ये बुआ का गिफ्ट भी आ गया है, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। आ गए बाबा पास, पापा तो बस आते आते अपने टीवी चला लेते हैं। चलो आ गई, तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।